अपनी बहुत तारीफ है यहाँ पे और अपनी टीम को जीत के और ठकेला है यहाँ पे। अग्निवीर की जो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो चल रही है। अरे बढ़िया, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। तो कंचा तुम लोग आशा करूँ आप सभी बढ़िया वेला जग भी वेला, तो हम भी एकदम बढ़िया छो। तो काफ़ी बंडे दिन बाद एक नया ब्लॉग बनाऊँ छो मैं। तो थंबनेल तापल सबूल चेक करी या लोल की आज एक वीडियो के एक मती होने वाले, मतलब टॉपिक क्या होने वाले आज एक, तो आप सबूल देख या लोल। तो आज हम जाना छो एक क्रिकेट मैच खेलना करें, जिनके आप सबूत है पता चाहिए कि आजकल ठंडियों का सीज़न शुरू हो गया और क्रिकेट मैच भी शुरू हो जी आजकल टाइम में। तो गढ़वालम जैसे ही ठंडियों का सीज़न लगता है वैसे ही क्रिकेट मैच भी शुरू हो जाते हैं। तो हमारा भी आज एक मैच है क्रिकेट का, तो हम भी जाने वाले हैं क्रिकेट मैच खेलने के लिए। मौसम की बात करी जाए तो काफ़ी प्यारी धूप खिली है, देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है आज। तो मैं सुबह का मौसम बताऊँ तो सुबह तो बारिश हो रही थी, तो बिल्कुल आपने सही सुना, ठंडियों के सीज़न में बारिश। तो सुबह बारिश पड़ी थी, हल्की फुल्की बूंदा बांदी हुई, खेत भी गीले हो रखे हैं। तो पहले तो हमें लगा कि नहीं आएगी धूप, लेकिन मौसम अचानक से खुल गया और एकदम साफ़ हो गया और पता भी नहीं लग रहा कि बारिश हुई होगी। तो गांव में तो काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है। तो बस अब हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, अभी एक स्टार प्लेयर आने वाले हैं हमारे, उनकी ही मैं वेट कर रहा हूँ, उसके बाद हम सीधा निकल जाएंगे और आज आपको दिखाएंगे हम पहाड़ी क्रिकेट मैच। तो आपने काफ़ी व्लॉग्स देखे होंगे मेरे क्रिकेट मैच के ऊपर, तो एक और ब्लॉग क्रिकेट मैच के ऊपर होने वाला है। चुके हैं हमारे स्टार प्लेयर तैमूर मिर्जा। तो चलिए फिर निकलते हैं अब हम भी। तो दोस्तों निकल पड़े हैं मैं और तैमूर मिर्जा चुंडाई की तरफ। तो चुंडाई पे से हमें गाड़ी मिलेगी और वहीं पे से हम जाएंगे मैच खेलने के लिए। तो अभी मंदिर है, मंदिर के दर्शन करते हैं और उसके बाद निकलते हैं गाइस। चलिए फिर, जय हो, जय शंकर की। तो दोस्तों मंदिर के दर्शन भी हो चुके हैं, तो अब निकलते हैं बस। यहाँ पे से 5 और 10 मिनट का रास्ता और होगा, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे चुंडाई पे। तो लड़कों के फ़ोन भी आना शुरू हो चुके हैं कि जल्दी आइए, क्योंकि हमारा मैच दिन का है 12 बजे का। तो फिर चलते हैं, चलिए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं चुंडाई मार्केट पे, अभी हम यहाँ पे रुके हैं। तो आज हम जहाँ मैच खेलने जाने वाले हैं, तो मैंने आपको जगह का नाम तो बताया नहीं, तो आज हम जाने वाले हैं जेरी खाल में। तो जेरी खाल में हमारा टूर्नामेंट है आज, तो बस बाकी बंदे भी आने वाले हैं और जैसे ही सारे लोग आ जाएंगे उसके बाद हम भी निकल पड़ेंगे यहाँ से। तो पहले हम जाएंगे लेंस डाउन, फिर लेंस डाउन के बाद जेरी खाल। तो चलिए फिर गाइस चलते हैं, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को फट से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर, बाय। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं लेंस डाउन में। तो पीछे यहाँ पे लेंस डाउन का एंट्री गेट है, मतलब यहीं पे से लेंस डाउन शुरू हो जाता है। और हूँ तो दोस्तों यहाँ पे अग्निवीर की जो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो चल रही है। ओके, फिर आप से जो है लास्ट में कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो फिर आप देखते हैं क्या जवाब देते हो। अभी आप अपनी नजर आधा दाहिने तो ये जो अभी आपने देखा, तो ये अग्निवीर जो अभी भर्ती हुई थी उसमें जितने भी रिक्रूट हुए थे, सेलेक्ट हुए थे, तो कुछ जिनका लेंस डाउन पड़ा होगा तो उनको यहाँ पे जो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है तो वो चल रही है ठीक पीछे पे। आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो आपने अभी देखा होगा हम बाइक में 3 बंदे थे, तो लेंस डाउन में फौजियाँ रोकते हैं, मतलब ट्रिपलिंग अलाउड नहीं है। खैर ट्रिपलिंग तो कहीं पर भी अलाउड नहीं है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे से पैदल आना पड़ा। तो अभी मैं
लेंसडाउन के पीछे वाले रास्ते से जा रहा हूँ, तो ये शॉर्टकट रास्ता है, तो मैं सीधा यहाँ पे से बैंक के सामने पहुँच जाऊँगा और वहीं पे मुझे भाई लोग मिल जाएंगे, तो उसके बाद वहाँ पे से उनके साथ चल लूँगा। दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं जेरी खाल के ग्राउंड पे और यहाँ पे अभी काफ़ी कसमकस मुकाबला चल रहा है कमेटी वर्सेस मैक्स क्लब का। तो अभी फर्स्ट इनिंग कंप्लीट हुई, तो फर्स्ट इनिंग में मैक्स क्लब ने बनाए 10 ओवरों में 94 रन और अब उसका पीछा करने के लिए उतर पड़ी है कमेटी की टीम। फिलहाल इनके मैच का इंजॉय करिए, उसके बाद नेक्स्ट मैच हमारा होने वाला है लेंसडाउन के साथ, तो इसके बाद हमारा मैच होगा, तो फिलहाल अभी इनका मैच देखिए। काफ़ी लोग इस मैच का लुत्फ़ उठा रहे हैं और विकेट निकाल दिया है यहाँ पे मैक्स क्लब ने और एक और विकेट झटका लगता हुआ है यहाँ पे कमेटी की टीम को। कमेटी का काफ़ी ख़राब प्रदर्शन रहा है अभी तक, मतलब इस मुकाबले में बॉलिंग तो उन्होंने अच्छी करी लेकिन बैटिंग में उनके जो स्टार्ट के बैटर थे जो उनके ओपन आए वो दोनों आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं और अभी काफ़ी डामाडोल हिसाब हो रखा है इनका। बॉल राइट का मोड़ देंगे, आराम से डिफेंस कर दिया यहाँ बैट्समैन ने। ये बॉल राइट आर्म मोड़ देंगे और आराम से डिफेंस, राइट आर्म राउंड द विकेट, मोंटी अंदर कर गया हमें, तो और एक शानदार शॉट यहाँ पे 26 रन पे 3 विकेट हो चुके हैं कमेटी के, जो कि मैच जिताने का तरफ करते हैं। लेकिन संदीप भाई और ये बार फिर विकास और काफी 25 रन का ये माफी चाहूंगा और विकास के पास फिर और अंकित यहाँ पे आगे बढ़ने का पूरा प्रयास था लंबी विकेट लेने के लिए। तो यहाँ पे कमेटी की टीम को चाहिए 17 गेंदों पे 31 रन, देखते हैं क्या होता है। मैच काफ़ी रोमांच में फंस चुका है अब। ओह नाइस बॉलिंग, मैच अभी किसी भी साइड पलट सकता है अगर बैटरों ने रन मार दिए तो एक तरफा हो जाएगा मैच, इसलिए बॉलरों को थोड़ा सा अच्छी बॉल करनी होगी। वैसे भी 2 ओवर बच रखे हैं मात्र, एक रन मात्र उन्होंने 3 ओवर में किया है, तो ऐसे शॉर्ट बॉल अगर विकास डालते रहेंगे तो मैच लेवल जीत की ओर बढ़ सकती है। ओ जड़ पे फेंकी हुई गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी सोच। बहुत ही अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के बीच खेला गया और तो दोस्तों टॉस तो हमने विन कर लिया है और हमारी फर्स्ट बैटिंग है, तो अभी तैमूर मिर्जा और बिट्टू भाई ओपन करने गए हैं, तो 12 ओवरों का मैच है, तो उनसे यही उम्मीदें हैं कि वो स्टार्टअप अच्छा दे ताकि हम पीछे अपना अच्छा गेम दिखा सके। तो चलिए फिर मैच शुरू हो चुका है, बढ़िया 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 लड़के शाबाश, अरे बढ़िया बहुत बढ़िया लड़के तैमूर, यहाँ पे ऑन द फायर होते हुए 2 छक्के 2 गेंदों पे लगातार। तो तैमूर मिर्जा ने यहाँ पे 2 गेंदों पे 2 छक्के मार दिए हैं लगातार, काफी भयंकर बैटिंग होती हुई तैमूर मिर्जा द्वारा, तो यही उम्मीदें थी उनसे, इसीलिए उन्हें आज ओपन कराया, तो गेम भी काफी बड़ा है। देखिए तो दोस्तों मैच तो कंप्लीट हो चुका है और हमने ये मैच गवा दिया है अपने हाथों से, तो काफ़ी अच्छा मैच था, मतलब पहली बैटिंग हमारी थी तो हमने 12 ओवर में बनाए थे 90 रन, तो उसके बाद उन्होंने बैटिंग करी तो उन्होंने 9 ही ओवर में 90 रन बना दिए थे, तो जिसके कारण हम ये मैच हार गए।
तो बैटिंग तो मैंने भी ज़्यादा नहीं दिखाई क्योंकि जैसे हमारे एक दो विकेट गिरे उसके बाद मेरी भी बैटिंग आ गई थी, तो उसके बाद बनाने का मौका नहीं मिला। और उसके बाद हमारा जस्ट मतलब जैसे ही हमारी बैटिंग ख़त्म हुई उसके बाद तुरंत हमारी बॉलिंग भी शुरू हो गई थी। तो बॉलिंग में तो क्या ही बनाना था क्योंकि सारे बंदे हम जितने जा रहे थे वो फील्डिंग कर रहे थे और बाकी कोई एक्स्ट्रा बचा नहीं जो वीडियो बनाता, तो इसलिए मैं दिखा नहीं पाया। अक्सर यही होता है, मैं जब भी क्रिकेट टूर्नामेंट का व्लॉग बनाता हूँ तो यही होता है, मैं मैच ज़्यादा दिखा नहीं पाता क्योंकि मैं खेलने वाला हूँ तो मैं खेलता हूँ, फिर कोई जो दूसरे बंदे हैं वो बनाते भी नहीं है वीडियो, तो इसी कारण से मैंने मैच नहीं दिखाया अपना वाला, मतलब जितना भी दिखाया थोड़ा बहुत बैटिंग का। तो वहाँ से तो हम निकल चुके थे और आ चुके हैं हमारे दो खतरनाक धुरंधर बल्लेबाज।